नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शुद्ध शाकाहारी भोजन में। दोस्तों आज जो है हम लोग बनाना सीखेंगे आलू और बोड़ो की सब्जी, जिसमें जो है हम लोग मिलाएंगे आलू, बोड़ो, टमाटर, और आप देख रहे हैं मसाला इसमें क्या क्या प्रयोग होगा। जीरा, मिर्चा, गोल मिर्च, जमैत्री, अदरक, और ये क्या है, धनिया खड़ी धनिया और लहसुन। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है ये मसाला का प्रयोग करेंगे, इसको हम लोग पीस के डालेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस ले, लेकिन हम लोग सिलवट जो है का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आलू और बोड़ो की टेस्टी सब्जी बनाना। ये देखिए दोस्तों, तेल पहले डाल दीजिए आप इसको, कढ़ाई जो है थोड़ा देर आग पे गर्म हो जाए उसमें तेल डाल दीजिए। तेल को 1 मिनट थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। इस तरह से दोस्तों जो है हमारा तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें जो है मेथी को जो है पहले मेथी को आप डाल लीजिए, गर्म तेल हो जाए तो हल्का सा लाल हो जाए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो है हमारा मसाला भी जो है पीस के तैयार हो चुका है। इसमें जो हमने मसाला बताया था आपको, लहसुन, मिर्चा, जीरा, सब तरह के मसाला जो है इसको सिलबट पर पीस दिया गया है। अब इसमें सिर्फ हल्दी ऊपर से आप थोड़ा सा डाल लेंगे मसाले के हिसाब से। इस तरह से आपका मसाला भी तैयार हो चुका है और अब तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें पहले आप आलू को डालिए। तो इस तरह से जो है आप आलू को डाल के 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। दो मिनट जो है आलू फ्राई हो जाने के बाद अब इसमें हम लोग बोड़े को डालेंगे। इस तरह से दोस्तों जो है आलू बोड़ा को डाल के आप इसको अच्छे से फेंट लीजिए तेल में, जो एक तरह से मिक्स हो जाए मेथी और तेल में। इस तरह से दोस्तों मिक्स होने दें आप थोड़ा देर के लिए। इस तरह से दोस्तों जो है आप इसको जो है एकदम फ्राई करते रहेंगे। हल्का फुल्का इसमें जो है पानी छोड़ता है, तो इसको जो है आप इसको चलाते रहेंगे इसको इस तरह से। अब दोस्तों जो है आलू बोड़ा अब डालने के बाद आप देख रहे थे 5 मिनट इस तरह से मतलब साथ में भूजने, तेल में भूजने के बाद अब इसमें हम लोग मसाला को डालेंगे, जो हम लोगों ने मसाला पीसा था, लहसुन, अदरक, मिर्चा, जीरा, गोल मिर्च, अदरक, ये सब जो है मसाला को जो है आप, और ये सब मसाला दोस्तों हर जन सामान्य जो है हर आम नागरिक के घर में जो है ये मसाला उपलब्ध होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल लेंगे, सब्जी के हिसाब से आप अपना नमक देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि जो है इसमें जो है सामान्य जो है जनरल में हम लोग अपने सब्जी में मसाला डालते हैं, जो हर आम आदमी के लिए जो है आसान है और वो मसाला उपलब्ध रहता है उनके घर पे, और उसी से आप जो है कहा जाता है ना कि कम संसाधन से ही जो है जितना हमारे पास संसाधन है उसी का प्रयोग करके बढ़िया चीज़ तैयार करना, वही चीज़ है। आप कितनी चीज़ों को ही डाल के जो है आप बहुत ही टेस्टी सब्जी बना पाएंगे, आप देखेंगे खुद ही। इस तरह दोस्तों मसाला डालने के बाद भी 5 मिनट इसको, 10 मिनट थोड़ा सा मसाला हल्का सा जल जाए उसके बाद इसमें हम लोग पानी डालेंगे। दोस्तों ये जो है हम पानी डालने को बोल दिए, हम लोग ये सूखी सब्जी बना रहे हैं तो इसमें पानी नहीं डालेंगे। रसेदार सब्जी किसी और दिन आपको हम बनाएंगे, ये सूखी सब्जी है तो इसको मसालों को चला के बस इसको ढक दीजिए। कितना देर के लिए ढकना है? हाँ, आँच को जो है धीरे कर लीजिए आप, आँच को जो है धीरे करके जो है 10 मिनट
अब इसको छोड़ दीजिए, इसमें पानी मत डालिएगा। सूखी सब्जी के लिए मैं बता रहा हूँ, रस्से वाले सब्जी किसी और दिन हम डालेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों जो है हम लोग 10 मिनट तोपने के बाद इसको बर्तन को खोलेंगे कढ़ाई से और देखेंगे कि सब्जी जो है बॉईल हो पाएगी नहीं। तो दोस्तों जो है हम लोग का सब्जी जो है आँच जो है आप जान रहे थे जो है कि कम था, अब आँच को जो है जब हम लोग बर्तन को खोलेंगे तो आँच को जो है अब तेज कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप देख रहे हैं जो है हम लोग का सब्जी जो है हो रहा है। अब इसमें जो है हम लोग टमाटर डालेंगे, एक टमाटर। तो दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं कि जो है अब हम लोग का सब्जी जो है 70% तैयार हो चुका है। अब इसको जो है हम लोग 10 मिनट और बर्तन रखेंगे नहीं, इसी तरह खोल के ही जो है तेज आंच पे इसको तेज आंच करके 10 मिनट इसको इसी तरह चलाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों है जो है हमारी सब्जी जो है अब तैयार हो चुकी है फाइनल। बर्तन को ऊपर उठाने के बाद हम लोग 10 मिनट भूजे, अब इसको बंद कर दें। तो दोस्तों अब हम आपको दिखा देते हैं कि सब्जी का कलर कैसा है और लुक कैसा है देखने में। तो जो है आप देख सकते हैं, अब देखिए सब्जी के कितना अच्छा कलर है, बहुत अच्छी टेस्टी है। अगर आप इसको बनाएंगे दोस्तों एक दो बार में आप भी सीख जाएंगे, एक दो बार वीडियो देखेंगे आप तो सीख जाएंगे। और सीखने के बाद दोस्तों एक बार बनाइएगा खाइएगा, उसके बाद अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों बेल की घंटी भी दबा दीजिएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।